बेथलेम रॉयल हॉस्पिटल इंग्लैंड का पहला मेंटल असाइलम था, लेकिन ख़राब मैनेजमेंट की वजह से ये जल्द ही बेथलेम में बदल गया। अगर आप 15वीं शताब्दी में बेथलेम रॉयल हॉस्पिटल को देखते तो यह आपको किसी हॉरर स्टोरी की बिल्डिंग से कम नहीं दिखता। यूरोप के पहले मेंटल असाइलम होने की वजह से बेथलेम काफ़ी ओवरक्राउडेड था और अंडर सपोर्टेड भी। यहाँ जो भी पेशेंट्स और अनवेल क्रिमिनल्स आते थे उनका इलाज नहीं किया जाता था, बल्कि उनके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें मारा पीटा जाता और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और वो सब किया जाता था जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी वजह से इसे बेथलेम कहा जाने लग गया, जिसका मतलब होता है केओस एंड कंफ्यूजन। तो आइए जानते हैं 18वीं सदी के इस मेंटल असाइलम की डिस्टर्बिंग स्टोरी। बेथलेम रॉयल हॉस्पिटल 1247 में बनाया गया था और इसकी बिल्डिंग अपने आप में ही एक अजूबा थी। सन 1600 में इसे लुई 14 के पैलेस को ध्यान में रखकर दोबारा बनाया गया, जिसके चारों तरफ लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ लगाए गए और गार्डन्स बनाए गए। इससे पहले मेंटली इल, फिजिकली डिसेबल्ड और क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी, और बेथलेम के बनने के बाद महल जैसी दिखने वाली ये बिल्डिंग एक भूतिया घर में तब्दील हो गई। इस हॉस्पिटल में एडमिट होने का मतलब ये नहीं था कि अब उन्हें इलाज मिलेगा, क्योंकि उस समय इलाज का मतलब था आइसोलेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। पेशेंट्स को एक कुर्सी से बांधकर, जो कि एक सीलिंग से अटैच होती थी, उनको रोटेट किया जाता था लगभग एक मिनट में 100 से ज़्यादा बार, वो भी घंटों तक, ताकि उनको उल्टी यानी कि वॉमिटिंग हो जाए, क्योंकि उस समय के डॉक्टर्स का मानना था कि मेंटल इलनेस शरीर में होती है ना कि दिमाग में, तो किसी भी तरीके से इसे शरीर से निकालना है। उन्हें घंटों तक ठंडे पानी में बैठा दिया जाया करता था, उनके शरीर को पानी में डुबोया जाता, मरीजों के सारे कपड़े उतार कर उन्हें दीवार में एक चेन से बांधा जाता था, मरीजों को खाना भी नहीं दिया जाता था और उन्हें खूब टॉर्चर किया जाता था। सन 1728 में जेम्स मुनरो बेथलेम के चीफ फिजिशियन बने, और उसके बाद पेशेंट्स की हालत और ख़राब हो गई। पेशेंट्स के शरीर पर लीच डाली जाती थी ताकि वो उनका खून पी सके, और कपिंग ग्लास थेरेपी से उन पर ब्लिस्टर्स बनाए जाते थे, जिससे कई मरीजों की डेथ उसी टाइम हो जाती थी, पर उनकी कहा किसी को परवाह थी। औरतों की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, उन पर फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता था। सन 1600 तक बेथलेम में काफ़ी मिसमैनेजमेंट बढ़ चुका था। बेथलेम गवर्नमेंट और पेशेंट्स के परिवार के द्वारा दिए गए डोनेशंस पर डिपेंड था। गवर्नमेंट काफ़ी कम पैसे बेथलेम पर खर्च करती थी, और वहाँ आने वाले पेशेंट्स अक्सर गरीब मिडिल क्लास परिवार से होते थे, और 18वीं शताब्दी में तो हॉस्पिटल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तब तक बेथलेम एक जू बन चुका था, जिसमें हर जगह से लोग घूमने आने लगे। लोग हॉस्पिटल के कमरों में जाकर चेन से बंधे नग्न मरीजों को देखते, यहाँ तक कि अपना हॉलीडे भी यहीं मनाते, क्योंकि लोग जानवरों से अब बोर हो चुके थे और उन्हें मनोरंजन का नया तरीका मिल गया था। अकॉर्डिंग टू BBC, एक साल में वहाँ 96,000 विजिटर्स आए थे। उनमें से कोई भी मरीज इतना बीमार नहीं था कि वो जानवर जैसी हरकत करे, लेकिन हॉस्पिटल्स इन विजिटर्स के द्वारा दिए गए पैसों पर ही डिपेंड था, इसलिए उन मरीजों को इतना टॉर्चर किया जाने लग गया ताकि उनमें और जानवरों में कोई फ़र्क ही न रह जाए और विजिटर्स को एंटरटेन कर सके। उस समय जो लोग कोई भी काम करने में सक्षम नहीं थे उन्हें चर्च संभालता था, और बाकी लोग वर्कहाउस या फिर जेल में जाते थे। कुछ भिखारी और क्रिमिनल्स पागल होने का नाटक करते थे ताकि उनको वर्कहाउस या फिर जेल ना भेजा जाए और उन्हें बेथलेम भेज दिया जाए। गरीब औरतें जो घरों में नौकरानियों का काम करती थी, वो अक्सर ओनर्स के रवैये और काम के बर्डन की वजह से डिप्रेस हो जाती थी, और उनके ओनर्स उन्हें बेथलेम भेजवा दिया करते थे। वहीं कुछ आदमी जो अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने चाहते थे, वो भी उन्हें पागल घोषित करके बेथलेम भिजवा दिया करते थे, जिसकी वजह से 1601 ईस्वी में बेथलेम में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उनके पास मरीजों को रखने की भी जगह नहीं थी। बेथलेम में इन मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और कभी कभी तो मरीज एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मर जाते थे, तो उन्हें लिवरपूल स्ट्रीट पर फेंक दिया जाता था। सन 2013 में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हॉस्पिटल के नीचे 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स की लाशें मिली थी। सन 1815 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी बनाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और असाइलम की जांच के लिए, जिसके रिजल्ट काफ़ी भयावह थे।
रिपोर्ट आने के बाद थॉमस मुनरो, जो कि बेथलेहम के हेड फिजिशियन थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कुछ सालों बाद विलियम हुड को हेड फिजिशियन बनाया गया और हुड ने बताया कि हॉस्पिटल को असली रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो कि पेशेंट्स की सेवा करें, ना कि ऑफिशियल्स की। हुड ने बताया कि हॉस्पिटल को दो पार्ट में बांटना होगा, जिसमें एक में पेशेंट्स रहेंगे और दूसरे में मेंटली इल क्रिमिनल्स रहेंगे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बेथलेहम को गांव की तरफ शिफ्ट किया गया ताकि मरीज शांत माहौल में रह सके। हुड को उनको काम के लिए अवार्ड भी मिला है। बाद में बेथलेहम में एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें यहाँ हुए टॉर्चर्स की डिटेल्स, फोटोज, स्टोरी सब दिखाई जाती है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि पहले और अब के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। हिस्टोरियन रॉय पोर्टर का कहना है कि बेथलेहम हॉस्पिटल इंसान द्वारा इंसानों पर किए गए अमानवीय अत्याचार का एक सिंबल है, जो ये दिखाता है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। तो ये थी ब्रिटेन के पहले मेंटल असाइलम बेथलेहम की पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।